अजमेर के पिसांगन से बड़ी खबर, जहां सागरमती नदी के तेज बहाव में कार फंस गई। और गनीमत रही कि कार यहां पर फंसी और इसीलिए एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि कार अगर बह जाती तो कोई भी हादसा हो सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। मध्य रात्रि नदी को पार करते वक्त ये घटना घटी। पुलिस कर्मियों और ग्रामीणों ने दोनों जो कार में सवार थे लोग, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। गत रात झमाझम तेज बारिश से चारों ओर फिर पानी ही पानी हो गया और अन्यत्र जाने के सभी रास्तों का सड़क संपर्क टूट गया। फतेहपुरा रोड सागरमती नदी की ये घटना है। और अब कोटपूतली के विराट नगर से खबर, जहां अज्ञात लोगों ने मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश है, रोष है और धरने पर ग्रामीण बैठे हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीण आरोपियों को गिरफ्तार करने की लगातार मांग कर रहे हैं। खबर जालौर के सायला से है, जहां शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षक पर फर्जी वाड़े का आरोप लगा है। शिक्षक के राज्य स्तर पर सम्मानित होने की सूची वायरल होते ही ग्रामीणों ने जालमपुरा विद्यालय के आगे प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भेजकर शिक्षक पर चयनित होने के लिए फर्जी हस्ताक्षर कर फाइल भेजने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना कि शिक्षक ने ऐसा कोई सराहनीय कार्य नहीं किया है जिसके लिए सम्मानित किया जाए। कोटपूतली शहर के बौंसूर कट के पास दिल्ली जयपुर रोड पर एक पिकअप आगे चल रही अन्य गाड़ी से टकरा गई। हादसे में ड्राइवर को हल्की चोटें आई। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला, अचानक पिकअप में आग लगने लगी। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। वहीं चालक को एम्बुलेंस की मदद से राजकीय BDM जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और इसके बाद यातायात को भी सुचारू करवाया गया। कोटपूतली सब खबर, जहां केमिकल के दलदल में गाय फंस गई। चारे की तलाश में गाय केमिकल के दलदल में फंस गई। ग्रामीणों ने JCB की मदद से गाय को बाहर निकाला। निजी कंपनी द्वारा खुले में केमिकल डाला जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन जानवरों की जान पर खतरा बन रहा है, वहीं प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है, गौवंश की भी दुर्दशा हो रही है। कोटपूतली के केशवाना स्थित त्रिको औद्योगिक क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव थाना क्षेत्र में गनोड़ा गांव के पास उदयपुर मार्ग पर एक बेकाबू ट्रोले ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी 5 साल की बच्ची की महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान जान चली गई। फिलहाल पुलिस लगातार इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। पुलिस की ओर से हर एंगल से मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है और जल्दी ही इस पूरे मामले का खुलासा भी होगा। अगली खबर का फिलहाल रुख करेंगे। भिवाड़ी की शेखपुर थाना पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मी को जान से मारने का प्रयास यहां किया था और उसी पर शेखपुर अहिर थाना पुलिस की यह कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास यहां पर हुआ था और इसी के साथ आरोपी ने अपने कई साथियों के साथ एक साथ मिलकर एक युवक के अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। और अब अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से खबर है, जहां एक कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी और टक्कर में दोनों बाइकों पर सवार 6 लोगों की जान चली गई। सभी मृतक अपने श्री विजयनगर से बख्तावरपुर आ रहे थे और श्री विजयनगर 28 की पुली के पास बुधवार रात 1:30 बजे यह हादसा हुआ और हादसे में 3 युवकों की मौके पर जान चली गई। अन्य 3 युवकों की श्रीगंगानगर में इलाज के दौरान मौत हुई। कार चालक मौके से कार छोड़कर फरार। तो यह हादसा श्री विजयनगर में हुआ, जहां एक कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी, दोनों बाइकों पर सवार 6 लोगों की इस हादसे में जान गई।
बांसवाड़ा जिले के मोटागांव थाना क्षेत्र में गनोड़ा गांव के पास उदयपुर मार्ग पर एक बेकाबू ट्रोले ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उसकी 5 साल की बच्ची की महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर में लोक देवता बाबा रामदेव के मसूरिया मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी है। सुबह से ही यात्रियों और बाबा के भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि सुबह 4:15 बजे मंगला आरती और बाबा के दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि अब तक करीब 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बाबा रामदेवरा के मंदिर में आज बीज के अवसर पर दर्शनार्थियों की भारी भीड़ है। भारी भीड़ को देखते हुए यह जाप्ता 3 शिफ्ट में लगाया गया है। पहली शिफ्ट सुबह वाली, दोपहर वाली, रात वाली शिफ्ट। रात वाली शिफ्ट में काफ़ी मात्रा में भीड़ है, जिसमें इनफ्लो और आउटफ्लो को देखते हुए पर्याप्त जाप्ता लगाया हुआ है। एडिशनल SP रैंक के स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। उसके अलावा ACPs, SHOs और पर्याप्त मात्रा में जाप्ता है और बैलेंस बना हुआ है। गुरु बालीनाथ जी गोसाई महाराज की आज दूज के दिन माँ आरती में 4:15 बजे जबरदस्त भीड़ के लोगों ने दर्शन किए और इतनी आस नहीं थी पब्लिक की, उससे भी ज़्यादा पब्लिक की लेने लगी है। और पुलिस और अब झालावाड़ के खानपुर से खबर, जहां पे जल जलापूर्ति को लेकर लोगों का प्रदर्शन और खाली बर्तन हाथ में लेकर जलदाय विभाग के खिलाफ रोष व्याप्त किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 4 दिन से यहां जलापूर्ति नहीं हो रही है, पीने के पानी के लिए भी लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, इधर उधर भटकना हो रहा है। जलदाय विभाग कर्मी ने विद्युत मोटर जलने का हवाला इस पूरे मामले को लेकर दिया है। थोड़ी 5-10 मिनट नल देते हैं और बंद कर देते हैं और पानी के लिए बहुत समस्या आ रही है। बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, पीने का पानी नहीं मिल रहा। कहते हैं मोटर जल्दी है, मोटर भी एक दिन में सही हो जाती है, हम भी तो कराते हैं। खबर बांसवाड़ा जिले के खमेर थाना क्षेत्र से है, जहां पर 3 चोरों ने घर में घुसकर महिला को कमरे में बंद कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने घर में रखा सोने चांदी का सामान और नकदी पर हाथ साफ किया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पाली के सोजत से अब खबर, जहां सोजत क्षेत्र में कृषि कुआं ढहने से लोगों में दहशत फैल गई है। हादसे के वक्त कुएं के पास कोई नहीं होने से बड़ा हादसा टला है। लगातार हुई बारिश के बाद कृषि कुएं में अचानक जलस्तर बढ़ गया था। 40 से 50 घरों के लोगों के सामने पेयजल संकट गहरा गया। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी। बांसवाड़ा के बाजार इन दिनों गणेश प्रतिमाओं से सज गए हैं, जहां 100 रुपए से लेकर 10,000 तक की प्रतिमा बाजार में बिक रही है। वहीं मूर्ति कलाकार मूर्तियों को निखारने में जुटे हैं, जहां मूर्तियों में कहीं भगवान गणेश को सेना के जवान के रूप में दिखाया गया है तो कहीं भगवान शिव की भक्ति में लीन बप्पा की प्रतिमा इन दिनों बाजार में ट्रेंड कर रही है। 7 तारीख को है वो गणपति की स्थापना हो गई। उससे पूर्व के अंदर में अगर कहें तो जो कलाकार होते हैं वो पिछले 4 महीनों से इन प्रतिमा बनाने के लिए दिन रात एक करते हैं। प्रतिमा बन गई है और अब इनका अंतिम रूप दिया गया। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये कलाकार है और कलाकार अंतिम रूप जो आंखों के अंदर में कलर होता है, हाथों के अंदर में जो कलर होता है, वो गणपति की बप्पा की जो प्रतिमा है उनको अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। भक्तों की यहाँ पर काफी लंबे समय से यहाँ पर उम्मीद थी कि कब गणपति बाबा हमारे घर आएंगे और हम उनकी प्रतिमा को लेने आएंगे। कुछ इसी तरह के ऊपर में बांस केंद्र में जो गणपति बाबा के जो भक्त हैं वो लगातार यहां पर है, वो अपनी प्रतिमा खरीदने के लिए आ रहे हैं। कुछ भक्त यहां पर है वो कई सालों से गणपति बाबा की जो प्रतिमा है वो यहां पर अपने घर पे विराजमान करते हैं। ऐसे केंद्र में जो गणपति बाबा की जो प्रतिमा है उनके लेने के लिए यहां पर भक्त है वो बड़ी संख्या केंद्र में आ रहे हैं और उम्मीद है कि इस साल छोटी से लगाकर बड़ी प्रतिमा है वो यहां पर है, वो भक्त अपने घर ले जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि यहां कुछ भक्त है उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे और इससे पहले ये जान लीजिए
कि ये जो गणेश भगवान की प्रतिमा है और ये यहाँ पर महिला कलाकार है जो यहाँ पर हाथों के अंदर में कहे तो स्वास्तिक का यहाँ पर जो चिन्ह है उसको यहाँ पर बना रहे। तो हमारे साथ के अंदर में कुछ भक्त हैं, वो गणेश भगवान की कितनी उम्मीद रखते हैं और कितना भगवान के प्रति उनकी स्नेह रहते हैं, तो उन्हीं से बात करने के लिए हमारे साथ के अंदर में एक खास भक्त है जो बाबा गणपति के भक्तों में से एक भक्त माने जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि बप्पा अगर घर आएंगे तो कहीं ना कहीं घर में खुशी आएंगी। सर, गणपति बाबा की प्रतिमा लेने आए, कितनी खुशियाँ है सर? खुशियाँ तो एक महीने पहले से चालू हो गई थी सर, कि जैसे ही पता पड़ा कि अपने सितंबर 9 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को अपने लगातार आयोजन है भगवान की मूर्तियों का, तो अभी ये जो गणेश चतुर्थी त्यौहार जो आ रहा है वो केवल शांति उन्नति के लिए है और घर के अंदर सुख सुविधा के लिए है। तो जो भी भक्त लोग जो अपने घर पे गणेश जी को विराजमान करें, तो हमारे तरफ से ये है कि छोटी से छोटी मूर्ति विराजमान करें ताकि विसर्जन के समय में उस मूर्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। जब भी विसर्जन करने जाते हैं तो अक्सर देखा जाता है बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रहती है, ऑयल पेंट रहता है, वो सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन हर लोग यही चाहते हैं कि भाई हमारे घर में सुंदर से सुंदर मूर्ति हो। तो कम से कम कलर वाली मूर्ति को हम चूज़ करें। जैसे हम 3 साल से मूर्ति बिठा रहे हैं हमारे ऑफिसर्स में, घरों में। अब जैसे मैं डीपी ज्वेलर्स में काम करता हूँ तो वहाँ पे बाहर से हूँ मैं, तो वह 3 साल से हम ऑफिस में जब भी बिठाते हैं सिंपल सोबर मूर्ति बिठाते हैं ताकि विसर्जन में दिक्कत नहीं आए हमें, और हमारा माहौल ऐसा बन जाता है कि 7 दिन जो रहता है वो बिजनेस के अंदर भी रहता है और वापस ऑफिस पूजा वगैरह में भी हमारा योगदान रहता है। देखिए, ये थे भक्त हमारे साथ केंद्र में। यहाँ पर जो प्रतिमा बनाने वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो प्रतिमा बनाने का जो सिलसिला है वो कितने समय से है और कितना इस केंद्र में समय लगा, कितनी प्रतिमा बना दी आपने? हमने बनाई है 10, तो बड़ी 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 बनाई है, छोटी है 200-300 मूर्तियाँ छोटी छोटी है। क्या डिमांड है भक्तों की, किस प्रकार की मूर्तियाँ मांगते हैं? छोटी छोटी मांगते ज़्यादा। कितने पैसे से लगा के, कितने पैसे तक की प्रतिमा? यहाँ से अपन 1000 से लगा के 3000-4000 तक है। देखिए, 1000 रुपए से लगा के 4000 रुपए के तक की प्रतिमा, गणेश जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर मिल जाती है। अलग अलग कलरों के अंदर में यहाँ पर जो प्रतिमाएं सजाई हुई है, भक्त यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो प्रतिमाओं का जो अंतिम रूप है वो यहाँ पर देने की पूरी यहाँ पर तैयारी हो रही है। एक तरफ बारिश का मौसम है, लेकिन यहाँ पर बारिश के मौसम होने के बावजूद भी मुंबई का दूसरा मुंबई से, जिसे छोटा मुंबई से कहा जा सकता है बांसवाड़ा, क्योंकि जिस प्रकार से गणपति उत्सव मुंबई के अंदर में मनाया जाता है, ठीक बांसवाड़ा के अंदर में इसी प्रकार से भक्त काफी उत्साह के साथ केंद्र में गणपति के इस त्यौहार को मनाया जाता है। बिजनेस के साथ केंद्र में लोग जो गणपति स्थापना होती है उसके विसर्जन के बीच का जो समय होता है, तो बिजनेस के साथ साथ लोग पूजा अर्चना केंद्र में भी अपना काफी समय योगदान देते हैं। तो कैमरा पर्सन के साथ केंद्र में सच वेदड़क के लिए किशन सेन बांसवाड़ा।